नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालकर और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये पानीपत के समालखान अनाज मंडी की है, जहां पर इस तरह के जो ढेर हैं आप चारों तरफ देख पाएंगे, कि चाहे इस साइड के अंदर की बात हो या फिर फड के बाहर की। इस तरह से जो कट्टे हैं वो भरे हुए आपको उनके ढेर नजर आएंगे। इस तरह की जो टाल है वहां पर देखने को मिलेगी। और जो आड़ती मंडी समालखा के जो प्रधान हैं बलजीत, उन्होंने बताया कि करीब करीब पूरी अनाज मंडी के अंदर 1 लाख जो कट्टे हैं वो फिलहाल पड़े हैं, और जो खरीदार एजेंसियां हैं उनके द्वारा फिलहाल इन कट्टों को नहीं उठाया जा रहा, यानी उठा ना होने के चलते आड़ती परेशान है, दूसरी तरफ किसान भी परेशान है, क्योंकि अब मंडियां जो भर चुकी हैं और अब इस तरह से जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, उस पर गेहूं आ चुका है। और कारण बताया जा रहा है, अजीब सा तर्क है कि भाई इसमें दोनों को नुकसान है, आड़तियों को नुकसान है, जो खरीदार एजेंसियां हैं उनको भी नुकसान है। और वजह फिलहाल बताई जा रही कि जो सरकार और जो खरीदार एजेंसी है उनके बीच में कुछ तकनीकी वजह है, कोई कारण है, उनकी मांग है, उसी के चलते ये उठान नहीं हो पा रहा। और फिलहाल ये भी बताया जा रहा कि जो गेहूं ये खरीद लिया गया है ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जी हाँ, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ये बताया जा रहा कि सरकार प्रेशर में थी, और प्रेशर के चलते, क्योंकि गेहूं पक चुकी थी किसानों की, किसान आवाज उठाने लगे थे कि उनकी जो गेहूं है, उनकी फसल है, वो खरीदी नहीं जा रही। दूसरी तरफ विपक्षी जो पार्टियां हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार को घेरने लगी थी कि भाई किसानों को जो समस्याएं आ रही है, दूसरी तरफ एक तो खरीदारी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गिरदावरी नहीं हो रही जिससे उनको फसलों को मुआवजा मिल सके, क्योंकि बेमौसम बरसात हुई थी। इसलिए सरकार के द्वारा जो आनन फानन में बारदाना दे दिया गया, करोड़ों जो कट्टे हैं वो तमाम हरियाणा के जो खरीदार एजेंसियां हैं उनको भेज दिए गए, लेकिन फिलहाल ये बताया गया है कि इन जो ये कट्टे ढेर हैं ये लगे पड़े हैं, इनकी सरकारी रिकॉर्ड के तहत खरीदारी नहीं हुई है। अगर यहां पर बरसात होती है, बारिश में भीग जाते हैं, तो इसमें नुकसान दोनों का बताया जा रहा है। दूसरा एक बताया ये गया है कि ये अगर बरसात की वजह से खराब हुआ गेहूं, भीग गया, गिल्ला हो गया, तो उसमें दिक्कत आड़तियों को होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आड़ती ने बताया है कि फिर से जो एजेंसियां जिन्होंने गेहूं खरीदा है उनको साफ करके सुखा करके फिर से इन कट्टों को इसी तरह से पैकिंग कर फिर से भरना पड़ेगा, यानी डबल डबल उनकी मेहनत होगी। और क्या कुछ वजह, कुछ किसान भी आपको यहाँ पर नजर आए हैं, उनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा कि क्या कुछ अंकल कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ समस्या इनको आ रही है, एक बार बताइए अंकल, क्या सुखा रहे हैं आप इनको? इन्हें सुखा ना करे बेटे, अरे में कोई कुछ कुछ नहीं कर रहे, भरते भी नहीं। हाँ, सांझ लाए थे, हैं अरे इनको का है मजार लागेगा, फलाना लागेगा, स्थिति से कुछ तो राम स्थिति से करा की कुछ भी ये बटले करो और करो कट्ठे करो। हाँ ना, ये गिल्ले को ना दिखते नुका है, गिल्ले मैं चेक कर लो भाई। हाँ तो किसानों को भी कुछ समस्याएं हैं। दूसरा तरफ आड़तियों ने भी बताया कि जो ये डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आड़तियों को नुकसान नहीं है, जो खरीदार एजेंसियां हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। और बारदाने की कमी खासकर यहां पर बताई जा रही है कि जो बारदाना आ चुका है और बारदाना बहुत कम मात्रा में, चुनिंदा जो कुछ ही कट्टे तमाम आड़तियों को दिए जा रहे हैं। कुछ आड़तियों से भी जानने का मैं प्रयास करूंगा कि क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ समस्या उनको आ रही है। कितना कट्टे यहाँ पे जो शेड के बाहर और अंदर पड़े हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को आ रही है? 60-70 हजार कट्टा पड़ा है, ये उठ नहीं रहा माल, उठवा लो तो उसके 22 आगे सारे माल खराब हो जाएगा। तो ये लिफ्टिंग चालू नहीं हो रही है, तो ये लिफ्टिंग चालू कर दे तो कुछ होया, काम चालू होया, तो इसलिए बहुत भारी दिक्कत है।
समस्या आपको नुकसान भी बता रहा है कि हो सकता है अगर जो बरसात हुई कि... हाँ हाँ नुकसान तो होगा जी, सारे सारे कट्टे बीत जाएंगे, सारा हो जाएगा, इसमें इसके अंदर काला पड़ जाएगी। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमने मेहनत करनी, हटे खोल के फिर जर्नल लगाने पड़ेंगे, सारी लेबर आपकी, आप हमारी लेबर है सारी। तो इसको जितना जल्दी ठोले बड़ी है जी। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पे आए थे, समस्या आपकी भी सुनी और किसानों की भी सुनी? हाँ सुनी जी, उनने तो उन्होंने कहा जी हम आगे वो करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको देंगे मैसेज ये, तो हम इसका मुद्दा उठाएंगे वहाँ। तो ये बात है।